सो गाइस, टिकटॉक कमबैक को लेकर एक ऑफिशियल अपडेट सामने आ रहा है जो मुझे लगा आप लोग के साथ में भी शेयर करना जरूरी है। तो गाइस, अगर आप एक टिकटॉक लवर है तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि इसी तरह की न्यू टिकटॉक अपडेट आपको मिलती रहे। तो गाइस, जैसे कि आपको पता, काफ़ी टाइम से इंडिया में टिकटॉक बैन है, लेकिन अभी भी कुछ लोग VPN के थ्रू यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे थे टिकटॉक को। लेकिन एक बार फिर से टिकटॉक यहाँ पर कमबैक करने की तैयारी पूरी कर चुका है। तो गाइस, वो लेटेस्ट न्यूज़ क्या है वो भी मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको बता दूं, जैसे आप जानते हैं जो है बैटल ग्राउंड इंडिया के नाम से एक बार फिर से इंडिया में लॉन्च होने की तैयारी कर चुका है, यहां पर ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है। तो उसी तरह से टिकटॉक भी यहां पर कमबैक करने की पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। तो बहुत जल्दी यहां पर टिकटॉक एक बार फिर से कमबैक करने वाला है। तो चलिए गाइस, आप चलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ वो मैटर नहीं करता। जो ऑफिशियल अपडेट है वो मैं यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ, क्या वो ऑफिशियल अपडेट सामने निकल कर आ रहा है टिकटॉक कमबैक को लेकर। तो दोस्तों, टिकटॉक कमबैक को लेकर यहाँ पर दो न्यू अपडेट सामने निकल कर आ रहा है, एक है USA से लेकर और दूसरा यहाँ पर टिकटॉक इंडिया कमबैक को लेकर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं टिकटॉक USA की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो न्यू लेटेस्ट अपडेट है, यहाँ पर आप डेट भी देख पा रहे हो, आज का डेट है, आज ही ये न्यूज़ यहाँ पर आ रहा है। तो यार, यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो आर्टिकल है, न्यू आर्टिकल है, और जी न्यूज़ पर इस आर्टिकल को डाला गया है। 9 जून को ये आर्टिकल यहाँ पर आया था, और यहाँ पर आप इसको ब्रीफ में यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्या क्या इस आर्टिकल में बताया गया टिकटॉक के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, अमेरिकी प्रशासन यानी US गवर्नमेंट ने चाइना के टिकटॉक ऐप को और वीचैट पर रोक लगाने के संबंधी आदेश को वापस ले लिया। अमेरिका ने टिकटॉक और वीचैट पर रोक लगाने के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। चीन के इन एप्लीकेशन से संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों की पहचान करने के लिए अमेरिका ने खुद समीक्षा के लिए फैसला लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे टिकटॉक USA से इंडियन टिकटॉक का क्या यहाँ पर रिलेशन है, तो वैसे क्या कनेक्शन है वो भी आगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस आर्टिकल को पहले हम डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपको बताऊंगा टिकटॉक इंडिया में जो आर्टिकल है उसके बारे में भी आपको डिटेल में समझा देता हूँ क्या कनेक्शन है टिकटॉक कमबैक को लेकर। तो उसके बाद इस आर्टिकल में बताया गया व्हाइट हाउस के नए कार्यकारी आदेश के कॉमर्स डिपार्टमेंट को चीन द्वारा बनाए गए कंट्रोल किए गए या सप्लाई किए जाने वाले ऐप से जुड़े लेनदेन का एविडेंस बेस्ड एनालिसिस करने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जाती है, जो भी बैन लगाने की बात की जाती ट्रंप द्वारा वो यहाँ पर एनालाइज किया जाएगा एक बार फिर से जो बाइडेन गवर्नमेंट द्वारा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑफिशियल तौर पर उन ऐप्स को लेकर चिंतित है जो लोगों के प्राइवेट डाटा जमा करते हैं और जिनके चीनी सेना या खुफिया गतिविधियों से संबंध है। तो यार, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जाती है, जो बैन लगाने की मांग की थी, जो बैन लगाने का कोशिश यहाँ पर की जा रहा था ट्रंप सरकार की तरफ से, वो यहाँ पर इस चीज़ को डिनाई कर चुके हैं। जो US गवर्नमेंट है अभी फिलहाल इस चीज़ को डिनाई कर दिया, वो यहाँ पर कोई भी बैन नहीं लगाने देंगे टिकटॉक और वीचैट पर। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, US जैसा कंट्री यहाँ पर बैन नहीं लगाना चाहता टिकटॉक पर और वीचैट पर, उसके बावजूद यहाँ पर इंडिया में अभी भी बैन लगाया हुआ है टिकटॉक ऐप पर। तो चलिए, अब जान लेते हैं टिकटॉक इंडिया की तरफ से क्या न्यू अपडेट यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है, जो आप लोग के साथ में शेयर करना जरूरी है और आप लोग को जानना भी जरूरी है। अगर आप टिकटॉक लवर है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं, जो टिकटॉक इंडिया वो यहाँ पर एम्प्लॉई हायर कर रहा है टिकटॉक इंडिया के लिए। इस चीज़ से आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं टिकटॉक एक बार फिर से एंट्री करने वाला इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो है हायरिंग की जा रही है टिकटॉक डिपार्टमेंट के लिए। तो यार, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो चीज़ सेम पबजी ने यहाँ पर अप्लाई किया था, पबजी ने किस तरह से यहाँ पर री एंट्री की है इंडिया के अंदर एक बार फिर से, बैटल ग्राउंड इंडिया नाम से एक बार फिर से पबजी इंडिया में लॉन्च होने वाला है, तो उसी की राह पर यहाँ पर टिकटॉक भी निकल पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक भी सेम पॉलिसी यहाँ पर अपना रहा है और उसी तरह से टिकटॉक भी यहाँ पर कमबैक करने वाला है, जिस तरह से पबजी मोबाइल इंडिया ने एक बार फिर से एंट्री कर दी है इंडिया के अंदर बैटल ग्राउंड इंडिया नाम से। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर टिकटॉक के साथ हो रहा है, टिकटॉक एक बार फिर से सारे पॉलिसी सेम जो पबजी मोबाइल इंडिया ने ट्राई किया वही सेम पॉलिसी पर काम कर रहा है। इस चीज़ से आप यहाँ पर समझ सकते हैं, टिकटॉक ने अभी तक हार नहीं मानी, वो एक बार फिर से कमबैक करने की पूरी तैयारी यहाँ पर कर चुका है इंडिया में, और बहुत ही जल्द आने वाले कुछ ही मंथ में आपको प्ले स्टोर पर देखने के लिए मिल जाएगा टिकटॉक इंडिया। तो गाइस, अगर आप एक टिकटॉक लवर है तो इस वीडियो को जरूर से एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आपका टिकटॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।